नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 23 दिसंबर 2022 से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जाता जाता यह वर्ष 2022 का क्या आपकी जिंदगी में अंधियारा कर जाएगा या फिर आपकी जिंदगी में अवसरों की बौछार लाने वाला है। आज की वीडियो दोस्तों बहुत खास है, पूरी तरीके से आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। आप सभी से मैं केवल और केवल छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि अपना साथ आज की इस वीडियो में आप अंत तक बनाए रखना, ताकि एक एक घटना आपको अच्छे से समझा सकूँ, एक एक सावधानी आपको अच्छे से बता सकूँ। अब दोस्तों, सर्वप्रथम सबसे पहले अगर इस दिन के ग्रहों की स्थिति एवं परिस्थितियों पर नजर डालें, तो आपको बता दें दोस्तों, 23 दिसंबर 2022 शुक्रवार का यह दिन है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार का दिन है और इस दिन अमावस्या तिथि आ रही है। रेवती नक्षत्र का निर्माण हुआ है और अगर सूर्य की स्थिति देखें तो धनु राशि में है, और चंद्रमा की अगर स्थिति का उल्लेख करा जाए तो कमाल की बात आपको यह लगेगी कि चंद्रमा भी इस दिन धनु राशि में ही संचार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सूर्य और चंद्रमा का एक ही राशि में होना आपकी राशि के लिए क्या संकट पैदा करेगा, क्या मुसीबतें लेकर आएगा, कौन कौन सी खुशी आएगी, आखिर होने क्या वाला है, सब कुछ बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। बस शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना, कोई अंधविश्वास नहीं है। 100% आपके ग्रहों पर सटीक राशिफल आपको मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हनुमान जी यानी बजरंग बली के जितने भी सच्चे भक्त यह वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी पल सभी भक्त मिलकर इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से लिखेंगे जय बजरंग बली। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय बजरंग बली, सीधा आशीर्वाद हनुमान जी महाराज का प्राप्त होगा, आपकी हाजिरी हनुमान जी तक पहुंच जाएगी। तो लिखिए जय बजरंग बली। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे बहुत खास रहेंगे। उससे पहले दोस्तों, गुरुदेव आपको कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ ज्ञान देना चाहते हैं। आज का अमूल्य ज्ञान सुन लीजिए, जीवन में आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों गुरुदेव कहते हैं कि तू डरता क्यों है, जब एक छोटी सी चींटी एक विशाल हाथी के कान में अगर घुस जाए, प्रवेश कर जाए, तो हाथी को पागल कर देती है। एक छोटी सी बिजली अगर किसी पहाड़ पर गिर जाए तो पूरी चट्टान तोड़ देती है, और एक छोटा सा दीपक अगर बड़े से बड़े अंधियारे कमरे में जला दिया जाए तो वह पूरे कमरे को उछियाना उजाले ही उजाले से भर देता है। यानी दोस्तों, जीवन में अगर हमेशा कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, तो आवश्यकता है शुरुआत करने की। आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना है यानी कुछ बड़ी शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें सीधा 2-3 करोड़ रुपए ला कर दे दो तो हम कोई काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बड़े बड़े कामों को भी छोटी छोटी शुरुआतों से पूरा किया जा सकता है। बात सही लगी हो तो लाइक कर लिखना राधे राधे। अब दोस्तों आपको बता दें, आने वाले इन 24 घंटों में आपको अपनी और अपने बच्चों की संगति पर ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन में जैसी संगत वैसी रंगत, यह कहावत हमेशा याद रखना। जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसे लोगों के साथ घूमोगे, वैसे ही तुम हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत निराली बात किसी ने कही है कि अगर एक मक्खी अगर किसी किराने की दुकान पर जाकर बैठ जाए, उसके तराजू पर बैठ जाए, तो उससे उस मक्की की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ना। परंतु अगर वही मक्खी दोस्तों किसी सुनार की दुकान पर चली जाए और उसके तराजू में बैठ जाए, तो उसकी कीमत हजारों में पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको भी अपनी कीमत बढ़ानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है। ऐसे लोगों के साथ रहिए दोस्तों, जिनके साथ होने से, जिनके साथ घूमने से आपकी कीमत बढ़े, लोग आपको सम्मान दे, आपकी एक अलग पहचान बने। क्योंकि जब यह चीजें होने लगेगी ना, तो आपको भी लगेगा कि आप सही व्यक्ति के साथ है,
और फिर एक सही व्यक्ति दोस्तों आपको सही सलाह भी देगा, सही मार्ग भी बताएगा और जीवन में किस पथ पर चलना है, कैसे चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह सब बताएगा। और गलत व्यक्ति क्या करेगा, केवल लाभ उठाएगा। दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं मित्रों जो कि अपने स्वार्थ के लिए मित्रता करते हैं। आजकल मित्रता भी पवित्र नहीं, लोग अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़ेंगे तो जब उनका स्वार्थ निकल जाएगा भाग जाएंगे। सच्चे मित्र वह हैं जो सालों से आपके साथ हैं, दुख में आपके काम आते हैं, सुख में भी आते हैं। ऐसे सच्चे लोगों का आपके साथ होना, मित्रों का आपके साथ होना बहुत आवश्यक है। अब दोस्तों दफ्तर में जो लोग काम करते हैं उन्हें बता दें जरा बचना, आपके जो सहकर्मी हैं जो भोले बन रहे, मीठे बन रहे हैं, आपके साथ प्यार भरी बातें कर रहे हैं, आपकी तारीफें कर रहे हैं, आपको बड़ा चढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप सोच रहे हैं अरे वाह मैं इतना खास हो गया, मैं इतना बड़ा कब से हो गया। परंतु ऐसे चापलूसी करने वाले लोगों से जरा बचिए, क्योंकि यह लोग रातों रात आपकी नींद चैन सब कुछ हराम कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को अगर हद से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा सम्मान मिल जाता है तो वह उसका आदी हो जाता है। और यही गलती दोस्तों दफ्तर में इस दिन आपको बर्बाद कर सकती है। विद्यार्थियों को बता दें, छात्रों को बता दें, पढ़ाई लिखाई पर जरा ध्यान केंद्रित करना। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा, इधर उधर की बातों को छोड़ अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए, अपने करियर के बारे में फैसला लीजिए, भविष्य में आपको क्या करना है। देखिए कई सारी चुनौतियां भविष्य में आपके मार्ग में आने वाली है, ऐसे में दोस्तों आपको अपने भविष्य का एक सही चुनाव करना होगा, एक सही रास्ता अपने भविष्य के बारे में आपको तलाशना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कतें आ सकती है, मुसीबतें आ सकती है। इसलिए जरा सोच समझकर फूंक फूंक कर अपना कदम आगे बढ़ाना, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपकी एक छोटी सी गलती दोस्तों आपकी जिंदगी के साथ खेल जाए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, अपने स्वास्थ्य पर इस दिन जरा ध्यान देना, मौसम ठंडी का है, थोड़े ठंडे कपड़े पहन के रखना, बाहर का खाने पीने से पहले चेक करना कि क्या वह खाना सही है। जी हाँ दोस्तों, अभी के मौसम में कई सारे जी जानवर खाने में गिर जाते हैं, पता नहीं चलता है, और आप फिर वही भोजन खा लेते हैं जो कि पेट में जाकर बीमारियां पैदा करता है। आपका पेट दर्द होना, बीमार पड़ जाना, कमजोर रहना, कई प्रकार की समस्या आपके साथ हो सकती है। इसलिए भोजन की जांच पड़ताल कर कर खाना आपके लिए सुरक्षित रहेगा और अच्छा रहेगा, उससे आप एक अच्छा क्वालिटी खाना खा पाएंगे जो आपकी सेहत को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ ही दोस्तों, पारिवारिक जीवन इस दिन अच्छा है, परंतु आपके क्रोध पर आपको ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका क्रोध आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है, आपका क्रोध आपके लिए बहुत बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है, आपको हिला कर रख देगा। ऐसे में अब क्या करा जाए, देखिए गुरुदेव बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो काम सुई से हो जाए उसमें तलवार की क्या आवश्यकता। जी हाँ दोस्तों, जो काम सुई से हो जाए उसमें तलवार की क्या आवश्यकता, इसी कहावत को अपने जीवन में उतारिए। परिवार के साथ जब भी बात करोगे, परिवार के साथ जब भी समय बिताओगे, तो एक बात आप नोटिस करना कि आप जितना अच्छे से बोलोगे बात उतनी जल्दी समाप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, परिवार में अगर क्रोध करोगे, गुस्से से अगर बातें करोगे तो केवल बात बिगड़ेगी, और जितनी आप शांति से बात करोगे, जितनी प्रेम से बात करोगे, बात उतनी संवरेगी। इसलिए सुई से काम करना है, तलवार से नहीं। अपनी वाणी में मधुरता लाइए, मिठास लाइए, ऐसी वाणी बोलिए मन का अपाक होए, ऐसी मत बोलिए कि किसी से झगड़ा होए। जी हाँ दोस्तों, मन मिल जानी चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बातें उससे कह डालें। तो आशा करेंगे दोस्तों वीडियो में बताई गई समस्त बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो, तो एक लाइक अवश्य करना, एक लाइक से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है आपके लिए और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए, एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कॉमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे मन से लिख दीजिए जय बजरंगबली। जी हाँ दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि आपको रोजाना प्रतिदिन हमारी ओर से ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी सहायता करने की पूरी पूरी कोशिश हमारी ओर से की जाएगी। धन्यवाद।